आरपीएफ आईजी एएन सिन्हा पहुंचे आगरा। वार्षिक निरीक्षण करने आईजी आरपीएफ आगरा पहुंचे। आरपीएफ के जवानों ने सलामी देकर स्वागत किया। बढ़ते साइबर क्राइम पर आरपीएफ कर रही है काम। साइबर क्राइम पर आरपीएफ का फोकस है। चोरी लूट की घटनाओं को रोकने के लिए आरपीएफ ने विशेष टीम का गठन किया था। बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी पर आरपीएफ उपयोग कर रही है। रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी में एफआरएस सिस्टम टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। नई टेक्नोलॉजी से अपराधी की जल्द पहचान हो जाती है। एफआरएस सिस्टम से अपराधियों को फोटोग्राफ्स फीड करने में तुरंत अलर्ट हो जाता है। पर्यटकों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एफआरएस टेक्नोलॉजी को सही साबित कर रही है। पीएफ में डिटेल्ड इंस्पेक्शन होता है सारे ऑफिसर्स के, जो ऑफिसर्स हैं, तो पिछले वर्ष की क्या इनकी उपलब्धियाँ रही हैं, क्या कमी रह गई है, उस सब का डिटेल में निरीक्षण होता है। और आगे का जो इस वर्ष 24 में क्या और करना है, क्या चीज़ को सुधारना है, उस चीज़ पर निर्देश दिया जाता है। तो इस प्रकार का कार्यक्रम आज रखा गया है। सर, और क्या कुछ तब्दीली की जा रही है आरपीएफ? इस समय क्राइम का तरीका भी बदल गया है। हाँ, क्राइम का तरीका ग्रेजुअली बढ़ ही रहा है, चेंज होता है कि साइबर क्राइम आजकल ज़्यादा हो रहा है, क्रिमिनल्स के तरीकों में भी तब्दीली आ रही है। तो जैसा आपको ज्ञात है, आरपीएफ में भी साइबर सेल का गठन किया गया है रीसेंट टाइम्स में, और साइबर क्राइम के प्रति जो है अधिक फोकस किया जा रहा है, जिससे कि जो रेलवे में साइबर अटैक और वो सब पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त क्योंकि आगरा, मथुरा, ये सब जगह आगरा मंडल के हिस्सा हैं, जिसमें कि श्रद्धालु लोग भी बहुत आते हैं और पर्यटक भी बहुत आते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर स्पेशल टीम भी बनाने का गठन किया गया था। इसको कई जो चोरी के मामले हैं उस टीम ने पकड़े हैं, तो उस चीज़ पर भी ज़्यादा फोकस किया जाए।